चलिए शुरू करते हैं। हमने अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन आपका है सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हमने ले लिया LHS, क्या ले लिया LHS, LHS हम लेंगे, हमको क्या लाना है RHS लाना है, ठीक है। तो LHS लेने के बाद हमको लाना है RHS। तो LHS लिया हमने टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। अब आप देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थ्री वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। आप ये भी लगा सकते हो या टेन इनवर्स दो बार एक्स वाले वाई वाला दो बार लगा सकते हो, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। यहाँ आप लिख सकते हो फॉर्मूला टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड। फॉर्मूले वैसे मैंने आपको याद करवा दिए है ना सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में भी यही थे। टेन वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये फोर्थ नंबर वीडियो है वैसे देखा जाए तो, है ना। थर्ड वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, चार पांच क्वेश्चन, है ना। इसके आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतने क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है। जितने मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतने प्रैक्टिस करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तीन दो पाँच और एक छः, और तीन दूनी छः, दो माइनस छः माइनस तीन जीरो अपॉन छः, तीन दो ग्यारह में से गए तो माइनस कर, कुछ ऊपर जीरो आ गया तो जीरो ही हो गया ना, नीचे फिर कुछ भी हो। जीरो वैल्यू किसकी होती है टेन पाई जी, हाँ टेबल याद होना चाहिए ना, बिना टेबल के आप कुछ नहीं। मैं बोल रहा था ना बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो तो आपका यूज होना ही है ना, कहीं भी लग जाएगा। देखो ऐसे यहाँ लग गया, जीरो वैल्यू किसकी होती है टेन पाई की होती है ना। टेन पाई इक्वल टू कितना होता है जीरो, पाई मतलब 180 डिग्री है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मोल लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके लिए। देखो टू टेन वर्स वन अपॉन थ्री, क्वेश्चन नंबर एट डाल दीजिए, टू टेन वर्स वन अपॉन थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल टू, प्रूव करना है हमको पाई बाई फोर, क्या लाना है हमको पाई बाई फोर लाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS लेंगे। तो LHS लेते हैं टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, लगा दो फॉर्मूला। देखो लेकिन यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू आ गया है, क्या आ गया है टू, तो हम ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो हम क्या करें फिर यहाँ पर, पहले हम इस टू को हटाएंगे, तो टू को हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, टू वाला फॉर्मूला होता है ना टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन वाला, आपको याद होगा जब मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले, कौन से, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, मैंने सब बताए थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ टेन के फॉर्म वाला फॉर्मूला बोलो क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स कौन है वन अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी रहने दो, है ना, इसको भी जैसा का तैसा हम छोड़ देंगे। अभी हम इस टू को हटाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अभी फॉर्मूला वो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर टू है, तो ये हमने लगा दिया। मैं आप लिख सकता हूँ, लिख देना फॉर्मूला टू टेन वर्स एक्स के फॉर्मूले से, कौन सा वाला लिखें, टेन वाला लगाया हमने, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हमने लगा दिया। चलो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो अपॉन तीन वन माइनस वन अपॉन नाइन, थ्री का स्क्वायर नौ हो जाएगा, ठीक है। नौ एक नौ, नौ में से गए तो आठ बटे नौ, ये हमारा एलसीएम आ गया।
इसको काट दो, चाहे एक काम करना आप ऊपर ले जाए काट दें, आपको दिक्कत हो जाएगी। 2/3 और 9/8 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ये आपका आएगा 3/4। अब देखिए आप इसमें से 2 हट गया, यहाँ जो 2 था वो हट गया, और ये तो अभी चल रहा है जैसे का तैसा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें क्या लगाया है 2 tan inverse x लगाया है। ठीक, अब देखो tan inverse x प्लस tan inverse y, अब दोबारा लाभ लगेगा, tan inverse x प्लस tan inverse y, tan inverse x प्लस tan inverse y क्या होता है बोलो जरा, tan inverse x, x कौन है 3/4 प्लस y, y कौन है 1/7 अपॉन 1 minus x into y। आप चाहते हैं लिख देना फॉर्मूला, चाहो क्या लिख ही देना, लेकिन फॉर्मूले याद होना चाहिए। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करो, अगर क्वेश्चन नहीं है फॉर्मूले याद तो क्वेश्चन मत लाओ, बिना फॉर्मूले से पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, बात समझ रहे हो ना। अगर आपने फॉर्मूले भी याद कर लिए तो बहुत कुछ कर लिया। टेन वर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 28 28, 7 और 4 कैल्शियम, 7 21 4 1 4, यहाँ भी ले लो 28 minus 3 1 3/28 ये कैंसिल हो जाएगा, 25/25 कैंसिल, 1 आ गया। ये 1 वैल्यू किसकी होती 10 में बोलिए, 10 pi/4, pi/4 यानी कि 45 डिग्री बोलते हैं, तो कितना आ गया pi/4, ये आपका आगे प्रूफ हो गया LHS=RHS। बात सुना, हम कहलाना था pi/4। इन क्वेश्चनों में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रूफ करने होते हैं, और भाई 8-10 फॉर्मूले अच्छे से IMP वो लगा लो, वो अच्छे से याद कर लो, और ये क्वेश्चन लगा लो 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सफिशियंट है, एक क्वेश्चन पक्का आपका आता ही है, और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही है इससे, है ना। तो बहुत सिंपल चैप्टर, ठीक है। तो 2 tan inverse x है ना, पहले हमने लगाया, और फिर tan inverse x प्लस tan inverse y, पहले हमने 2 को हटाया, क्लियर है। तुम्हारा आंसर आ गया pi/4, ये वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू किसकी होती है 10 pi/4, यानी pi/4 को हम क्या बोलते हैं डिग्री में, 45 डिग्री, डिग्री ये रेडियन में है, डिग्री रेडियन में आपको आना चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए tan inverse m/n माइनस tan inverse m/n/m+n इक्वल टू pi/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करना है, तो हमने क्या लिया सबसे पहले LHS, क्या ले लिया LHS, तो LHS हमने ये ले लिया भाई लो। आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, टफ कुछ नहीं है, वही लगना है फॉर्मूला, tan inverse, इसको सही बना लो, tan inverse x माइनस tan inverse y, माइनस वाला लगेगा, कौन सा लगेगा माइनस वाला, tan inverse x माइनस tan inverse y, इसको पूरा y पढ़ेंगे, इसको हम पूरा x पढ़ेंगे, माइनस वाला क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस होता तो प्लस वाला, अभी हमने कौन सा लगाया था प्लस वाला, तो tan inverse x माइनस, फॉर्मूला याद हो तो बोल दो, अपॉन 1 plus x into y, फॉर्मूला आप यहां पर लिख देना, tan inverse x माइनस tan inverse y इक्वल टू tan inverse x माइनस y अपॉन 1 plus xy से। चलिए इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा n और m प्लस n, इन दोनों का एलसीएम आ गया, इसका इंटू इधर हो जाएगा, इसका इंटू इधर हो जाएगा, यहां भी एलसीएम ले सकते हो आप, ले सकते हो, क्या लेना ही है वो तो, यहाँ एलसीएम ले लो, है ना, चलो बाद में ले लेंगे,
ऊपर एम इन टू एम एम स्क्वायर एम इन टू एन एम एन एन इन टू एम एन एम और एन इन टू एन एन स्क्वायर अपॉन एन एम प्लस एन, ये थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी ले लो एलसीएम एन एम प्लस एन प्लस एम इन टू एम एम स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन एन एम प्लस एन, ये एलसीएम ले लिया। बस एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम तो सबको आते ही होगा, आप ट्वेल्थ क्लास में आ रहे हैं, वो भी मैथ सब्जेक्ट से। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, ए बी सी कैंसिल हो गया। यहाँ देखो एम इन टू एन एम एन और एन इन टू एन एन स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये भी कैंसिल हो गया, ए बी सी बचा अपना। नीचे भी क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया वन। वन वैल्यू किसकी होती है टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन हट गया तो कितना आ गया आंसर पाई बाई फोर, मैथ की 45 डिग्री वैल्यू हमारी होती है, अपना आंसर प्रूफ हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आप घर पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। कोई डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हो। चलिए, तो दो तीन क्वेश्चन लिख लिया घर के लिए होमवर्क में। टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल टू टेन इनवर्स, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो घर के लिए दे रहा हूँ ना, वो सफिशियंट है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अभी हाल फिलहाल। तो चलो एक लिख लीजिए, साइन वर्स फोर बाई फाइव प्लस टू टेन वर्स वन बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई टू। ये दो क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करनी है ना। अभी आपको ये दो क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा और एक बार क्वेश्चन और करवाते हैं अलग टाइप के, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, ये फॉर्मूले पूरे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बताने जा रहा हूँ मैं। सुनिए, आप दो दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जो इलेवेंथ का पोर्शन है, जो फॉर्मूले मैंने प्रिंटेड आपको पढ़ाए हैं ना, जिस वीडियो मेरे प्रिंटेड नोट्स हैं ये, प्लस का जो बेसिक है वो एक बार आप बहुत अच्छे से कर लो, दो दिन इसमें मेहनत करो। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली ना तो आपको पूरी साल कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल भी 100% गारंटी है मेरी। अगर आपने इसमें कमी छोड़ दी, आपको फॉर्मूला देख के लगाना पड़ रहा है या सोच के लगाना पड़ रहा है, ये कहोगे सर हाँ क्वेश्चन तो हमको समझ आ रहे हैं, हमको फॉर्मूले याद नहीं है। आपने क्या कहा, हमको क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं, हम कर भी लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप देख के लगा रहे हो या आप सोच नहीं पा रहे हो। क्यों, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे ना तो आप खुद सोच पाओगे, आप समझ रहे हो ना, खुद यानी कि आप खुद लगा पाओगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन आने लगेंगे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपका दिमाग खुद चलने लगेगा। बात सुनारी में इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप दो दिन क्वेश्चन कम लगाएं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 7-8 क्वेश्चन हुए हैं, 4-3-7, 4-11 क्वेश्चन हुए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये अच्छे से कर लो। कोई क्या हुआ, थोड़ा धीरे धीरे हमने लेवल मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, मतलब 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम 5-6 क्वेश्चन करा करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो अभी हमारा एक टाइप हो चुका है प्रूफ वाला, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट, ये हमारा पोर्शन हो चुका है। इसमें तीन टाइप क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कौन से हो चुके हमारे, सिद्ध कीजिए, ठीक है। मैं आपको चैप्टर के बारे में पता चल रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या हो चुका है, ये भी मैं आपको साथ बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन टाइप का ना हो। अब क्वेश्चन आएंगे, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, या इसके बाद हाँ सरलतम रूप में दो टाइप और बचे हैं, सरलतम रूप
मैं व्यक्त राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। और तीसरा हमारा जो आएगा वो आपका आएगा समीकरण हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर तीन टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके इस यूनिट में, आपके तीन टाइप के क्वेश्चन है ओनली, सिर्फ तीन टाइप, जिसमें एक टाइप हो चुका है ये मान, चलो अपने से दो तीन क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में बहुत कम क्वेश्चन करने हैं, फिर समीकरण हल कीजिए। कुल मिलाकर अपना चार पांच दिन अपना ये चैप्टर, ये अपनी यूनिट जब पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करते हैं। ठीक है, तब तक आप पूरे फॉर्मूले अच्छे से लिख लिख के, आप कहोगे सर हम भूल रहे हैं, याद तो हमको हो रहे हैं, भूलोगे, जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप फॉर्मूले को भूलते रहोगे। क्लियर है? अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिए फॉर्मूला, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, ये बहुत आईएमपी है, पहले मेन क्या है फॉर्मूले पढ़ो। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट कल अगली क्लास में मिलते हैं।